हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम सी एस जसप्रीत आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स तो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी ऑन क्विटिंग और कंटिन्यूइंग एंड व्यूज उस, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं आए बट आई रियली वांट टू टेल यू दैट यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सच वीडियोज़ ताकि आपको पता चले कि आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं बट जितनों ने भी देखी काफ़ी लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए एक यूनानिमस रिक्वेस्ट जो थी वो यही आई थी दैट व्हाट अदर कोर्सेज यू नो वी कैन फॉर और आई वुड से द कोर्स दैट यू कैन एक्चुअली डू अलॉन्ग विद सी एस अब क्या होता है अगर तो आप uh, बिल्कुल सी एस छोड़ने की बात करते हो देन आई वुड से यू कैन ऑप्ट एनी थिंग विच एवर और वट एवर यू लाइक राइट जो भी आपको पसंद है आपको लगता है कि ये चीज़ यू नो मेरे करियर के लिए अच्छी रहेगी तो वो आप ऑप्ट कर सकते हो लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे क्विट करने से डरते हैं राइट एंड आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड इट हू वाई तो क्विट करने की बजाय जो मैंने पिछली बार आपको लास्ट पॉइंट कहा था टू हैव अ बैकअप प्लान दैट इज़ अ गुड ऑप्शन तो सी एस के साथ साथ आप और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज कर सकते हो जो आगे चल के अगर आपका सीएस जब क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली इट एड्स अ लॉर्ड ऑफ वैल्यू टू योर सी या फिर अगर बाई चांस सी एस क्लियर नहीं भी होता तो वो कोर्सेज आपके पास रहेंगे तो भी आप अच्छा करियर बना सकते हो सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप और क्या ऐसा कर सकते हो कि आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सको सो विदाउट एनी फर्दर डू वील स्टार्ट द वीडियो आई होप दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो यू गेट नोटिफाइड द फर्स्ट कोर्स वैसे बताने की जरूरत नहीं है बट एल एल बी विद सी एस इट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर बेस्ट ट्रस्ट मी विद दिस सो अगर आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हो जो आपकी सी एस को में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करे देन नथिंग बेटर दैन एल एल बी आप देखोगे बहुत सारे सीनियर सी एस हैं या बहुत सारे सी एस हैं जिन्होंने साथ में एल एल बी की है और उन्हें इतना फायदा होता है एल एल बी का नॉट इन जस्ट प्रैक्टिस या फ्यूचर इवन इन स्टडीज बिकॉज एल एल बी बिकॉज देट यू स्टडी लॉ यू स्टडी द बेसिक्स कंप्लीटली ओवर हेयर विच कैन बी अप्लाइड हेयर वेरी वेरी इजिली सो मेक श्योर ंग फॉर अ ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन और बेस्ट कॉम्बिनेशन विच यू कैन टेकअप एज अ बैकअप प्लान ऑल्सो बट क्या होता है अगर आप एल एल बी कर रहे हो तो सी एस आपके लिए एक्चुअली में काफी हद तक ईजी हो जाती है क्योंकि आपके बेसिक्स एल एलबी में क्लियर हो जाते हैं सो एल एल एंड सी एस जैसा तो कुछ नहीं है राइट मूविंग टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन सी ए विथ सी एस राइट अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लाइक सी ए तो बहुत ज़्यादा टफ है बट एक चीज़ होती है सी एस जो हैं वो लॉ के एक्सपर्ट रहते हैं राइट तो सी ए जो टैक्स के एक्सपर्ट होते हैं अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास हैं देन इट्स नथिंग लाइक दैट राइट प्लस क्या होता है अगर आप शुरू में कर रहे हो तो साथ साथ में आप मैनेज कर सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ से, से कंपनी लॉ पड़ा तो यहाँ पर हेल्प हो जाता है यहाँ से टैक्स पड़ा या अकाउंट्स पड़ा तो यहाँ पे हेल्प हो जाता है तो जब आप इसे साइड बाय साइड करते हो तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आता है बट हाँ डबल द एफर्ट्स हो जाते हैं बट डबल द बेनिफिट भी हो जाता है आगे चल के आपके पास दो ऑप्शंस हो जाते हैं राइट भले ही आप सी में प्रैक्टिस करो सी में प्रैक्टिस करो और अगर आप जॉब में जाते हो सी प्रैक्टिस में तो वैसे भी एक ही सर, आप ले सकते हो सी राइट या तो आप सी का सी ले सकते हो या सी का लेकिन ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो या जॉब में जाते हो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल तो अगर आप न्यू बच्चे हो सी के लिए न्यू हो तो आई वुड एडवाइज़ यू कि आप सी ए साथ में स्टार्ट कर लो अब जो न्यू कोर्सेज आ रहे हैं न्यू सिलेबस आ रहा है उसमें आपस में आप देखोगे काफ़ी चीज़ें इधर उधर एडजस्ट हो जाती हैं तो जो डीप नॉलेज आप एक जगह पर लोगे वो दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाएगी तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल मूविंग टू द थर्ड कॉम्बिनेशन सी एम ए विथ सी एस अच्छा सी एम ए विथ सी एस का सबसे अच्छा एडवांटेज जो मुझे लगता है दैट इज एग्जाम्शंस राइट अगर आपने सी एम ए किया हुआ है तो आपको सी एस के काफ़ी सारे पेपर्स में एग्जाम्शन मिल जाती है जो सी ए में नहीं होती विच इज़ अ बिट बमर ऑन माई एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि सी ए सी एस करके एटलीस्ट एग्जाम्शन होनी चाहिए बट वो नहीं मिलती बिकॉज सी ए में एग्जामेशन देते ही नहीं है ऑन हायर क्वालिफिकेशन सिर्फ आई थिंक डायरेक्ट एंट्री मिलती है सी ए में तो सी एम ए और सी एस अगर आप साथ साथ में कर रहे हो राइट right? तो जो भी पहले हो जाएगा उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा एंड ऑल्सो द सेम थिंग गोज कि यहाँ आपको कॉस्ट की नॉलेज है जो यहाँ पर यूजफुल होगी यहाँ की कंपनी लॉ की या जनरली लॉ की नॉलेज है वो यहाँ पर यूज होगी तो वो भी चीज़ें काम आती हैं एंड वाई टू डू सी ए और सीएमए विथ सीएस क्या होता है सीएस जैसे हमने मैंने बोला ठीक है एक फील्ड में आप एक्सपर्ट बनते हो लाइक लॉ के फील्ड में आप एक्सपर्ट बनते हो ठीक है तो अगर आपके पास सीए या सीएमए है तो आप एक फाइनेंशियल फील्ड में भी काफी एक्सपर्ट हो जाओगे बिकॉज एज अ सी एस आपको बेसिक्स आने चाहिए यू नो बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है ऑडिट कैसे होता है तो अगर आपने सीए भी किया होगा ना तो आपको इन सारी चीजों में बहुत बेनिफिट होगा एंड ट्रस्ट मी आगे चल के ये चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं तो भले करो सी ए या सीएमए और ये मैं उन बच्चों के लिए बोलूंगी जो एकदम न्यू टू सी है ना आपके पास क्या है ना आपके पास अभी टाइम है राइट right? After uh, doing plus टू आप start करोगे CS या आप करने वाले हो गो विथ सी ए और सी एम साइड ताकि आगे चल के ना आपके पास टाइम रहता है स्विच करने का चेंज करने का आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना आपको एडवांटेज होगा इन द लॉन्ग रन मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट तो अगर आप सी एस कर रहे हो ना तो सी एस के साथ इंस्टीट्यूट कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करवाती है स्टूडेंट्स के लिए भी इवन पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं ये मतलब मैं उनके लिए कह रही हूँ जो फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल तक पहुंच गए हैं और अब सोच रहे हैं कि यू नो ओनली सी एस इज़ नॉट अनफ काश मैंने कुछ कर लिया होता तो आपके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी निकालती हैं इंस्टीट्यूट प्लस बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं मैंने भी बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स मॉडरेट किए हैं तो आई कैन टेल कि बहुत अच्छी नॉलेज होती है उसके बाद टेस्ट होता है सब कुछ होता है तो ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में भी आप ख़ुद को एनरोल करवा सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं आईसीएसआई के तो वहां पे भी आप खुद को क्वालिफाई करवा सकते हो बेस्ट फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ठीक है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ सीएस किया है और अब उन्हें लग रहा है नो आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग अलॉन्ग साइड तो आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा मूविंग हेड टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज एम बी ए फाइनेंस विथ सी एस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है सी एस के साथ और फाइनेंस में करोगे तो और भी अच्छी बात है जैसे मैंने आपको बोला एज अ सी एस आपको बैलेंस शीट का एक्सपर्ट कहीं ना कहीं बनना पड़ता है बिकॉज़ आपने भी बैलेंस शीट साइन करनी है तो ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोल रहे हो और अगर बाई चांस आप प्रैक्टिस में जाते हो आप सेक्रेटेरियल ऑडिट कर रहे हो तो आपको पता तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैचुरी ऑडिटर ने कैसे कैसे ऑडिट किया है आपको वो समझ आना चाहिए तो जहाँ पर फाइनेंस की बात आती है आप सी ए पिक कर सकते हो आप एम बी ए फाइनेंस पिक कर सकते हो इट इज़ ऑलवेज Adding a feather to your CS because CS में आप जो चीज़ें सीखते हो यहाँ आप उससे भी ज़्यादा डेप्थ में सीखोगे right? और आगे चल के आप ये भी समझते हो कि फाइनेंस में और भी बहुत ज़्यादा स्कोप है तो MBA बी ए फाइनेंस करके आप अपने लिए करियर अपॉर्चुनिटीज का स्कोप भी और ज़्यादा स्ट्रांग कर लोगे मूविंग टू द लास्ट कोर्स कॉम्बिनेशन विच इज सी एफ ए सी एफ ए एक लाइक लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम है जस्ट लाइक सी एस सी एस और इनकी भी अपनी यू नो दिस इंस्टीट्यूट है आई सी एफ ए आई और वहाँ से आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स भी कर सकते हो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड अलॉन्ग सी एस या सी एस के अलावा मतलब सी एस के साथ ये सारे कोर्सेज करने का बहुत फ़ायदा है अगर आपको सी एफ ए पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए सो डू लीव अ कॉमेंट बिलो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि सी एफ ए क्या है नॉर्मली फाइनेंस से रिलेटेड एक कोर्स है फाइनेंश एनालिस्ट का कोर्स है बट बहुत अच्छा होगा अगर आप इसे सी के साथ करोगे और भी कोई भी कोर्स आप चाहते हो कि मैं इलेबोरेट करके आपको बताऊं ताकि आप समझो कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू डू दैट डू लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो तो ये वो छह कोर्सेज हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप सी एस स्टार्ट कर रहे हो या सी एस अभी कर रहे हो एग्जीक्यूटिव में हो प्रोफेशनल में हो गो फॉर समथिंग एल्स राइट ऑनेस्टली एक बात मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे बच्चे ये चीज समझते नहीं है इट्स नॉट अबाउट द कोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस वन थिंग नाउ टाइम्स आर चेंजिंग सो फास्ट दैट यू नीड टू हैव टू थ्री फेदर्स इन योर हैट अब ये वो टाइम आ गया है कि आपके पास ना अलग अलग जितनी आपके पास नॉलेज होगी या से डिग्रीज होंगी या स्किल होगा आपके लिए फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल रहेगा राइट सो दीज सिक्स कोर्सिस एल एलएलबी, सी ए सी एम ए सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, एमबीए फाइनेंस एंड सी एफ ए उन लोगों के लिए जो सीएस के साथ कर रहे हैं सीएस शुरू कर रहे हैं अब एक और बात ध्यान से सुनो अब ये सारी बातें तो हो गई यू नो कॉलेज गए यूनिवर्सिटी you know, गए, गए पढ़ लिया या सी ए सी एम ए कर लिया दैट्स फाइन लेकिन अगर मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सोचूँ राइट आगे चल के या अब के टाइम में ना इवन आफ्टर स्टडिंग सी डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कल को अगर आपका स्किल बेस्ड वर्क या पैशन बेस्ड वर्क नहीं भी चलता तो भी डिग्री आपके साथ रहेगी सो यू शुड हैव दिस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ऑल्सो आप अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो आप अपना स्किल बेस्ड वर्क या पैशन बेस्ड वर्क भी कर सकते हो कोई आपको रोक नहीं रहा राइट डिग्रीज आर डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तभी हम कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट एक डिग्री तो होनी चाहिए आगे चल के कभी आपको जरूरत पड़े तो वो डिग्री आपके काम जरूर आएगी डिग्री करने के बाद या डिग्री के साथ साथ भी आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो पैशन या स्किल बेस्ड वर्क भी कर सकते हो तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ऑल्सो अगर आप सी एस क्विट करने के बारे में सोच रहे हो देन ऑल्सो गो फॉर द कोर्सेज दैट यू लाइक गो फॉर द कोर्सेज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन राइट फिर तो ऐसा है कि आप

आई एम लिविंग सी एस आर एम गोइंग टू अ न्यू फील्ड आप न्यू चीज भी कोई भी कर सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो एंड अदर देन दैट कोर्सेज या डिग्रीज तो होती हैं इंपॉर्टेंट लेकिन इसके साथ साथ इवन आफ्टर गेटिंग द डिग्री आप एंटरप्रन्योर बन सकते हो अपना बिजनेस खोल सकते हो अगर आप में कोई स्पेशल पैशन है आपका या कोई हॉबी है या कोई स्किल है वो आप आगे परसू करना चाहते हो साइड बाई साइड आप वो भी कर सकते हो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग आज के टाइम पे पैशन एंड हॉबीज भी आपको काफ़ी अच्छा पे ऑफ कर जाती हैं सो so, ये सारी चीजें आप देख सकते हो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो देखो आज के टाइम में ना अगर आपके पास एक बैकअप प्लान हो जाएगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं है डूइंग एनी ऑफ द कोर्सेज अलॉन्ग विद से क्या होगा एक ना माइंड में आपको ऐसा रहेगा कि जस्ट वन परसेंट राइट इफ आई कुडेंट मेक इट आई वुड है डिग्री इस तरीके से एक बैकअप प्लान की तरह आप इसे लेके चलो मैंने आपको बताया है कि बिगनर्स के लिए कौन सा अच्छा है प्रोफेशनल के लिए कौन सा अच्छा है आप जरूर लेके चलो एंड यू वुड फील दैट येस आई हैव टेकन अ गुड डिसीजन राइट आई होप दिस वीडियो हेल्प अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लीव अ कॉमेंट बिलो कि अगर आप किसी कोर्स को इलेबोरेट वीडियो देखना चाहते हो किसी कोर्स की या फिर कोई Your video ho for December 2023 exams. I am here for all of you to post more productivity videos. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.